तो एपिसोड 25 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। वी उन दोनों को पकड़ के डिनर में ले आती है। यू चैन को बोलती है, हे तुम इतना अचानक से शांत क्यों हो गए। चैन बोलता है, हे जिंग, क्या तुम हमें छोड़ के चल जाओगी। जिंग बोलती है, क्या क्या बात कर रहे हो तुम, मैं ये ऐसा क्यों करूंगी। चैन बोलता है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो मैं उसमें तुम्हारी मदद कर दूंगा। जिंग बोलती है, मैं सही बोल रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो। जुजी बोलता है, हे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, ये सही में बहुत ही बुरी बात है। जिंग बोलती है, हम तो वैसा कुछ बात नहीं कर रहे हैं, और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। चैन अपने मन में बोलता है, ये मेरे पिछले जन्म में बहुत ही अच्छी दोस्त थी, उस समय मैं इसे खोने से बचा नहीं पाया, लेकिन इस जन्म में मैं इसे बचा लूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है, डेविल या घोस्ट, अगर वो मुझसे लड़ना चाह तो मैं उसे मार डालूंगा। कुछ देर के बाद उन लोगों का डिनर खत्म हो जाता है। जुजी बोलता है, ठीक है सबसे पहले लड़कियों को घर छोड़ दिया जाए। जिंग बोलती है, चिंता मत करो मैं घर पैदल जाऊंगी। चैन बोलता है, मैं भी अकेले जा रहा हूँ। जुजी बोलता है, ठीक है फिर हम लोग चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिंग चैन को बोलती है, तुम जब से वहाँ से आए हो तुम बहुत ही अलग दिखते हो पहले से। चैन बोलता है, कोई बाहर चले जाए बहुत दिनों के लिए वो तो अलग दिखता ही है। जिंग बोलती है, हे चैन तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो क्या, अगर तुम प्यार का इजहार करना चाहते हो तो इस बात के लिए भूल जाओ जब तक हम लोग यूनिवर्सिटी में ना चले जाए, क्योंकि अभी हम लोग हाई स्कूल में ही पढ़ते हैं। चैन बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर अपना प्यार का इजहार करने आया हूँ। जिंग बोलती है, तब किस लिए तुम यहाँ पर रुके हो। चैन बोलता है, तुम्हें याद है मैंने क्या बोला था तुम्हें डिनर के समय। जिंग बोलती है, क्या बोले थे। चैन बोलता है, मैं बोला था चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मेरे पास आ सकती हो। जिंग बोलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा अंकल आ चुका है मुझे लेने के लिए, अब मुझे जाना होगा। जो भी हो चैन फैन तुम्हारा शुक्रिया। चैन उस आदमी को देखकर अपने मन में बोलता है, ये तो ग्रेट इनर स्ट्रेंथ का मास्टर है। जिंग की आइडेंटिटी बहुत ही अलग है। फिर वो एक तलिस्मा निकालता है और बोलता है, गॉड डिसेंट्री इम्प्रिंट, जब तक जिंग सुजु कंट्री में है मैं उसे कभी भी खोज लूंगा, और उसके अंदर तलिस्मा डाल देता है। दूसरी तरफ जिंग को बोलता है, ये तो एक नॉर्मल इंसान है, मैं बोला था ना तुम इन सभी लड़कों से दूर रहो, अगर मैं तुम्हें उनके साथ फिर से देख लिया तो मैं इन सभी को मार डालूंगा। जिंग घबराते हुए बोलती है, हाँ समझ गई। फिर वो अपने मन में बोलती है, चैन मुझे माफ करना मैं तुम्हें सच्चाई बता नहीं पाई, अगर तुम इसमें फंस जाओगे तो तुम मर भी सकते हो और मैं ये नहीं चाहती हूँ। फिर कुछ देर में चैन अपने घर पहुंच जाता है और बोलता है, पापा। उसका पापा बोलता है, तुम वापस आ गए, तुम जुजी और ऑक्सुअन से मिले तो। चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल। उसका पापा बोलता है, तुम सुझाओ मैं आधे साल क्या सीखे। चैन बोलता है, हाँ मैं मेहनत किया था। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं पिछले जन्म में आपको बहुत ही नाराज किया था, इस बार मैं अपने आपको बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा जिससे आप मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। उसका पापा बोलता है, जबकि तुम बोल रहे हो मैं विश्वास कर लेता हूँ, जब तुम्हारी मम्मी आएगी तो ही देख लेगी। फिर वो अपने मन में बोलता है, चैन तो पहले ऐसा नहीं था, वो यहाँ पर इतने आराम से बैठकर जवाब नहीं दे पाता। चैन बोलता है, ठीक है। तभी एक आदमी अपने मन में बोलता है, सुझाव में रहने के बाद चैन का एटीट्यूड बहुत ही अच्छा हो चुका है। तभी वो बोलता है, मजिस्ट्रेट आज दोपहर को एग्रीकल्चरल मीटिंग होने वाला है, या फिर मैं इसे डिले कर दूं। मजिस्ट्रेट बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। हे चैन तुम्हारी मम्मी और बहन आने वाली है 5 से 6 दिनों के बाद, जब तक तुम यहाँ से कहीं जाना मत, यहीं पर रुककर पढ़ाई करो। चैन बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, जिंग तो बहुत ही ज्यादा दूर भाग रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि वो कहीं पर जा रही है, अगर वो अभी जा रही है तो मुझे जाकर देखना होगा। दूसरी तरफ एक औरत बोलती है, हे जिंग तुम वापस आ गई। जिंग बोलती है, हाँ दादी। फिर उसकी दादी बोलती है, क्या तुमने अपने दोस्त को गुड बाय बोला। तो मेन बोलता है, हे ग्रैंड मदर, अगर तुम्हारी पोती कोई और लड़के के साथ करीब आई तो मैं विस लॉर्ड को क्या बोलूंगा। दादी बोलती है, मेरी पोती बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो ये जाहिर सा बात है ना उसके पीछे बहुत ही लड़के पड़े होंगे, तुम्हें यहाँ पर जिंग की सुरक्षा करने के लिए भेजा गया है। मेन बोलता है, तुम यंग विस लॉर्ड की होने वाली पत्नी हो, अगर तुम्हें कोई भी सुनने की कोशिश करेगा मैं उसे तबाह कर दूंगा। जिंग बोलती है, वो मेरा दोस्त है बस इतना ही। फिर वो अपने मन में बोलती है, मेरी दादी और मेरी सभी फैमिली मुझे बता दिया है कि मैं आपसे यंग विस लौट की हूँ, लेकिन मैं उसे कभी नहीं मिलू, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। दादी बोलती है, हे जिंग ये यंग विस लॉर्ड हमारे काम का होगा, अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम बहुत ही बुलंद में पहुंच जाओगी, और दूसरा तुम एम्पायर बन जाओगी और तुम्हारा पोजीशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तभी बेन बोलता है, यंग विस लॉर्ड तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना होगा। जिंग बोलती है, ठीक है मैं समझ गई। फिर वो अपने मन में बोलती है, मैं सुनी हूँ कि यंग लॉर्ड का मैजिक स्किल बहुत ही बढ़िया है, वो बहुत दूर से आदमी को मार सकता है और वो भूतों पर राज भी करता है, अगर ये सही हुआ तो मैं भाग भी नहीं सकती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि इससे मेरा पेरेंट्स पर कोई भी मुसीबत पड़े, मुझे अपने आप को उनके हाथ देना ही होगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और बोलता है, क्या तुम अभी भी इंतजार कर रहे हो, यंग लॉर्ड इसे पिकअप करने आएगा। बेन बोलता है, हे तुम कौन हो। वो लड़का बोलता है,
हे दादी, हे जैंग, बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मिला हुआ। बेन बोलता है, हे बे, तुम्हें तो वेस्ट में होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बे बोलता है, तो ये है जिंग जो लॉर्ड इसे पिक करने आने वाला है। मैं सुना हूँ कि इसके शरीर के अंदर ब्लैक किन है और इसे ये रेयर जीनियस है कल्टीवेटिंग में। दादी बोलती है, तो क्या हुआ, जिंग मेरी पोती है, क्या इसने तुम्हें तंग किया है क्या। बे बोलता है, तुम्हारी पोती, सही में तुम्हें तो कोई फीलिंग नहीं है, तुम अपनी पोती को आग के कुएं में डाल रही हो। हे लड़की, तुम्हें पता है ये क्यों कर रही है। जिंग बोलती है, क्यों कर रही है ये। तभी दादी चिल्ला के बोलती है, चुप हो जाओ। बे बोलता है, यंग लॉर्ड को सिर्फ तुम्हारा ब्लैक इन की जरूरत है अपनी कल्टीवेशन के लिए। वो अपना सीट तुम्हारे शरीर के अंदर डालेगा और अपने आप को रिफाइन करके इनर स्ट्रेंथ का फाइनल लेवल में पहुंच जाएगा और उसका कल्टीवेशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। जिंग बोलती है, दादी क्या ये सही बोल रहा है। दादी बोलती है, जिंग तुम्हें तो पता ही है ना गोस और विस रीजन का ताकत कितना ज्यादा है, हमारी विलेज कभी भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। अगर तुम यंग विस लॉर्ड से शादी कर लोगी तो तुम्हारी परेशानी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। जिंग रोते हुए बोलती है, दादी क्यों। तभी बे बोलता है, हे बकवास बंद करो, मैं इसे ले जा रहा हूँ। दादी चिल्ला के बोलती है, हे मिस्टर बे, मैं इसे कैसे जाने दूँ, तुम्हें डर नहीं लग रहा है यंग विस लॉर्ड से। बे बोलता है, पहले यहाँ पर देख लो। दादी बोलती है, साउथ वेस्ट के से फैमिली यहाँ पर, तो क्या हुआ, तुम्हारा ओपोनेंट कौन है पता है ना तुम्हें, एक बार यहाँ पर यंग लॉर्ड आ गया ना तो तुम लोग मारे जाओगे। बे बोलता है, तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, अगर यहाँ पर से फैमिली है साथ में तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। दादी बोलती है, तुम बोलना चाहते हो और पास फैमिली यंग लॉर्ड से लड़ने गए हैं, अगर वो लोग उसे मार नहीं पाए तो वो लोग उलझा के रखेंगे 3 से 5 दिनों के लिए, फिर तब तक ये बहुत ही देर हो चुका होगा। दादी चिल्ला के बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करने दूंगी। फिर वो गैस से हमला कर देती है और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। बेन चिल्ला के बोलता है, हे उन दोनों को पकड़ो जल्दी। बेन जिंग को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। तभी सैन बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है, जिंग क्या तुम अंकल के साथ भाग रही हो। तभी बेन बोलता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चैन बोलता है, कोई आ रहा है यहाँ पर। बेन चैन को बोलता है, तुम यहाँ से जाओ, जितनी जल्दी हो सके इसे लेकर जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। तुम तो जिंग के क्लासमेट हो ना, कोई इसे मारना चाहता है, तुम इसे लेकर यहाँ से निकलो। जिंग बोलती है, हे चैन चलो यहाँ से भागते हैं। चैन बोलता है, भागना है लेकिन क्यों भागना है यहाँ से। जैंग बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या, कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है। चैन बोलता है, चिंता मत करो मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बेन बोलता है, तुम्हें पता है वो लोग कौन है, वो लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो लोग लोगों को मारता है। चैन बोलता है, हे जिंग मुझ पर भरोसा करो, वो लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और उसके अलावा हमारे पास भागने का भी समय नहीं है। जिंग रोते हुए बोलती है, अगर बुरा से बुरा होगा तो हम लोग साथ में मरेंगे फिर। तभी वहाँ पर बे आ जाता है और बोलता है, तुम लोग भागोगे नहीं, मैं देखना चाहता था कि तुम लोग कितना स्पीड भागते हो, गाड़ी से पकड़ने में कितना समय लगेगा। ये बुढ़ी अपना म्याजमा का इस्तेमाल की हमें चीट करने के लिए, मुझे लगा कि ये जहर है लेकिन ये तो स्मोक था। हालांकि यंग विस लॉर्ड यहाँ पर आ भी गया तो वो यहाँ पर आकर अपने आप को फंसा लेगा। बेन बोलता है, तुम्हारे लड़के यंग विस लॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं है। बे बोलता है, तुम कहना चाहते हो कि यंग विस लॉर्ड बहुत ही बड़ा जीनियस है। ये सुनकर मुझे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा है, तो मैं इस लड़के को उसे ले जाने नहीं दूंगा, नहीं तो घोस्ट विस रीजन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। चैन बोलता है, घोस्ट विस रीजन ये क्या है। बे बोलता है, तुम कौन हो, क्या तुम जिंग के बॉयफ्रेंड हो, मुझे यंग विस लॉर्ड के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, उसके होने वाली पत्नी उसे धोखा दे रही है। बेन ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है, बोलता है, चुप हो जाओ। बे बोलता है, सही में तुम्हें देखना चाहिए तुम किसके सामने हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है लेकिन बेन उसके हमले से बच जाता है और वो सीधा जाकर पेड़ में लग जाता है। बेन बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। बे बोलता है, ये एक छोटा सा ट्रिक था। हे लड़की, अगर तुम अपनी दादी को मरते हुए नहीं देख सकती तो तुम मेरे साथ चलो अभी के अभी। जिंग बोलती है, ठीक है लेकिन तुम मेरी दादी को चोट नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बे बोलता है, ये हुआ ना बात। चैन बोलता है, हे जिंग को कहाँ पर ले जा रहे हो ये तो बताओ। बे बोलता है, तुम कौन हो और मेरे रास्ते में मत आओ।